हेलो बच्चों, माय चैनल विपिन शर्मा। बच्चों आज हम 11th क्लास के सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, कैसे हम इनको फाइंड करते हैं, साइंस में इनका कैसे यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, राउंड अप राउंड डाउन मेथड क्या है। ठीक है, चलो तो ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कुछ डिजिट्स मिलती हैं, तो उन डिजिट्स को सही तरीके से लिखने का जो मेथड होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, एक तरह से ये सही तरह से लिखी गई डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और वैसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 4.367। तो बच्चों जो इसमें पहले वाली डिजिट होती है इसको बोलते हैं रिलायबल डिजिट, और इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। अब रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट क्या है एक्चुअली में, ये जो शुरू की जो डिजिट होती हैं इनका मतलब है कि ये पूरी तरह से विश्वसनीय है, इनको देखते ही लिख दो कि ये तो बिल्कुल पक्का 24.3 हमारा सॉल्यूशन आंसर है। लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसको अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि बेटा इसका कंफर्म नहीं होता कि ये सही है या गलत है। इसको कैसे लिखते हैं फिर हम, इसको सही या गलत लिखने का जो एक मेथड है वो मेथड है राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन मेथड। इनको करेक्ट लिखने का जो मेथड है उनको क्या बोलते हैं, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन मेथड। ये भी हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक और एग्जांपल दे देते हैं इसका। मान लीजिए 24.3 है, अब इसमें रिलायबल डिजिट कौन सी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी रिलायबल डिजिट, और बच्चों ये हो जाएगी अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट। और इनके एग्जांपल ये है, जैसे चाहो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है इनको लिखने के रूल्स क्या हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों इनके रूल लिखवाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ डिजिट्स लिखूंगा, उन डिजिट से समझाऊंगा कि इनके रूल क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक डिजिट है 24.34567 और सेकंड है 24.304506 और फिर लिख देता हूँ मैं 24 0000
और एक लिख देता हूँ 2.400000, और एक और लिख देते हैं हम, ये हो जाएगी मान लीजिए 0.00024। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कौन कौन सी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो बच्चों इसको बताने के लिए देखो, सबसे पहले देखो जो सबसे पहला है 24.34567, इसमें एक भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको नंबर इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे, कोई भी संख्या आपको इस तरह से लिखी हुई दिखाई दे, तो उसमें हर एक नंबर को काउंट कर लेना, वो सब की सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, अगर हमारे पास डिजिट्स के बीच में जीरो भी हो, अगर हमारे पास डिजिट्स के बीच में जीरो भी है, तब क्या हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे क्या, तब रूल ने बोला हाँ करेंगे। तो यहां पर कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें पॉइंट नहीं है और 2, 4 है, उसके बाद सारी की सारी जीरो है। तो अगर पॉइंट नहीं है और सब लास्ट में सारी की सारी जीरोस हैं, क्या इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे क्या, तो लॉज ने बोला नहीं। अगर पॉइंट नहीं है और हमारे डिजिट्स के बाद में जीरोस हैं, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लिया इधर, अब अगर पॉइंट लगा हुआ है तो बाद में जितनी भी पॉइंट के बाद जीरो होती है ना, सारी की सारी काउंटेबल है, बट उससे पहले कोई डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट अब यहां देखो, यहां क्या है, 2, 4 किधर है, इधर, पहले तो नहीं है ना ये डिजिट, बाद में है डिजिट। अगर इस तरह की आपको संख्या दिखाई दे जिसमें जीरो, सारी की सारी जीरो, पॉइंट भी हो लेकिन सभी जीरो कहां है, डिजिट से पहले हो, तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर में जीरोस काउंट नहीं होती हैं। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के, ठीक है, जिनको पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है बुक में, लेकिन बाय एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि पहला रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, पांचवा क्या कहता है, ठीक है। लेकिन यहां भी एम्बिग्यूटी है, ठीक है, यहां एक कमी है इनमें, क्या ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्टेंस है 54 मिलीमीटर, ठीक है, कोई डिस्टेंस है 54 मिलीमीटर, तो मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर को जो मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1 पॉइंट इधर चला जाता है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 पॉइंट इधर खिसक गया। अब मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा बच्चों, जब मैं इसको मीटर में चेंज करता हूं तो ध्यान से देखिए यहां क्या होगा, तो ये पॉइंट अब यहां लगेगा, इस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो, जो ऊपर रूल हमने पढ़े हैं इन रूल से यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, अगर मैं इसको देखूं तो ये सेम लाइक ऐसे है जैसे ये थर्ड रूल था हमारे पास, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी फिगर होंगी इसमें,
टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं नेक्स्ट आता हूं जहां पॉइंट आ गया, ठीक है ना। और पॉइंट वाले में हमने पढ़ा है कि जितनी भी अगर वो बैक साइड में हो बस इससे पहले कोई डिजिट होनी चाहिए, अगर पहले कोई डिजिट है तो सारी की सारी काउंटेबल होती है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ना। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, यहाँ 4, और यहां कितनी हो जाएगी, यहां पे भी कितनी हो जाएगी 4। अच्छा अब एक चीज देखो, बस हमने यूनिट चेंज की, ये यही तो नया नंबर है, इसी नंबर को तो लिख रहे हैं हम, इसमें भी बस यूनिट चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही हमने यूनिट चेंज की तो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर का जो हमने ऊपर रूल पढ़ा था वो सब फेल हो गया, समझ रहे हो। फिर क्या किया कि इसको सोल्व करने के लिए एक मेथड लेके आए बच्चों, जिसका नाम होता है साइंटिफिक। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि इन सभी नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसको हटा देता हूं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों कैसे लिखेंगे। देखो पहला क्या है, 5400 इज इक्वल टू, इसको उसने लिख दिया 54 × 10^2, 10^2 100 को लिख सकते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें था, मिलीमीटर में, यहां भी ये मिलीमीटर में रहा। अब हमने सेंटीमीटर वाले को उठाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5400 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ये इसको लिखेंगे 5 × 10^1, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5400 मीटर इज इक्वल टू 54 × 10^-1 मीटर, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ऐसे लिखते हैं फिर। अब हमने इसमें देखा जो 10 वाला पार्ट था या 0 वाला पार्ट था उसको एक साइड कर दिया, ठीक है ना, जो 10 वाला पार्ट है उसको एक साइड कर दिया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये। तो जो कमी उस रूल के कारण पैदा हुई थी वो रिसोल्व किसने कर दी, साइंटिफिक नोटेशन में। इन्होंने बोला सिर्फ आप किसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, जो आपके पास ये पहले नंबर आता है इसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, प्रॉब्लम रिसोल्व। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने की, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का। बच्चों इसमें आता है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मल्टीप्लाई करने पर जो हमें लास्ट डिजिट्स मिलती हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है ये कैसे काउंट करेंगे, या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनमें कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में हमेशा एक मेथड यूज होगा, ठीक है ना।
ठीक है, सबसे पहले फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई भी यूनिट है 2.4367 और हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया 2.132 से, और हमारे पास मैंने माना कि जो रिजल्टेंट मिला है वो मिलेगा ए पॉइंट बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, जो भी रिजल्टेंट मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को हम देखते हैं कैसे होगी, तो वहां हम ये देखते हैं कि इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2 3 4, तो जो हमें मिलेगा ना लास्ट में लिस्ट वाले के देख लेते हैं, लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहां 4, तो जो हमें लास्ट में आंसर मिलता है ना उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ 4 तक काउंट करते हैं, ठीक है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कहां तक काउंट करेंगे 4 तक काउंट करेंगे। दिस इज द मेथड फॉर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन में भी सेम है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये 4 तक ही लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कुछ डिजिट्स है 2.345 प्लस 2.1 प्लस 2.354, इनको मैं ऐड करता हूँ, ऐड करके मेरे को क्या मिला 5 और 4 9, और फिर इसके बाद 3 1 और 3 7 और 0.2226, तो ये रिजल्टेंट मिला मुझे इन सबको ऐड करने के बाद। यहाँ जब हम एडिशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ठीक है ना, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, या इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे सेम इसी मेथड से, तो हम देखते हैं इनके लास्ट में नंबर ऑफ डेसिमल कितने, डेसिमल के बाद में हमारे पास कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक हमें डिजिट मिल पा रही है। यहां देखा मैंने 3 नंबर्स हैं, यहां देखा मैंने 3 नंबर्स हैं, मतलब पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने हैं बच्चों 1 नंबर है, तो जो हम यहाँ देखते हैं ना लिस्ट नंबर देखते हैं, लिस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, यहाँ लिस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस देखते हैं और यहाँ हम क्या देखते हैं लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस कम किसमें है सबसे कम 2.1 में, यहाँ कितने हैं 1 है, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा 6.7, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेस तक लेंगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया कि अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन दे दे और ऐड करना दे दे तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां तक भी आप मैथमेटिक्स करोगे हर मैथमेटिक्स में लास्ट में आंसर इन्हीं के थ्रू लाया जाता है, समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इज द करेक्ट वे टू राइट डिजिट्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन,
वैसे हम लिखते नहीं है इन जनरल, लेकिन लिखना चाहिए ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कि अनसर्टेन डिजिट्स को हम कैसे लिखें। मैंने बताया था ना अनसर्टेन डिजिट के बारे में जिक्र किया था कि अनसर्टेन डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखना, हाउ टू राइट अनसर्टेन डिजिट, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई डिजिट नंबर्स है 2.3 6 5 7 8, ये इस तरह से एक नंबर दिया हुआ है मुझे ये, और उसने बोला है कि आपको लिखना है डेसिमल के वन प्लेसेस तक, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर डेसिमल वन प्लेसेस फॉर अप टू डेसिमल वन प्लेसेस, मतलब डेसिमल के एक स्थान बाद तक मुझे लिखना है और अप टू डेसिमल वन प्लेसेस यहां तक लिखना है इस नंबर को। चलिए पढ़ते हैं। देखो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो होगा हमारा अगर हमारी डिजिट अनसर्टेन डिजिट इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। दूसरा अगर हमारी डिजिट लोअर देन 5 है, स्मॉलर देन 5 है, ठीक है, तो क्या होगा। देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसी से यही समझाते हैं। यहां देखो हम इधर से चलते हैं, ये हमारी अनसर्टेन डिजिट है। अब ये अनसर्टेन डिजिट 5 से ज्यादा है, अगर ज्यादा होती है तो बच्चों क्या करते हैं, जो इससे पहले का होता है ना ये वाला नंबर, ये वाली डिजिट, इसमें एड 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 2.365 और ये हो गया बच्चों हमारे पास 8, इसको मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। यहां मैं 5 लिख देता हूँ, फिर सारे रूल एक ही में ही आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अब हम यहां आते हैं, यहां क्या आ गया हमारे पास, और यहां लिख देता हूँ बच्चों मैं 3, ठीक है। अब सारे रूल इसी में आ जाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, अगर हमारी ग्रेटर देन 5 है वैल्यू तब क्या होगा, ठीक। अगेन ग्रेटर देन 5 आ गई, 8 आ गई ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ, ये हो जाएगी 2.354, एक डिजिट बढ़ा देंगे 3, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्मॉलर देन 5 तब क्या करेंगे। तब बच्चों इससे पहले की जो वैल्यू होगी इसको तो भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, और इससे पहले की जो वैल्यू होगी उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले की वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा इस बार 2.35 एज इट इज लिख दिए। नेक्स्ट अभी देखो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी सिर्फ, जब ग्रेटर देन 5 होगा और जब स्मॉलर देन 5 होगा। अब ये थर्ड कंडीशन आ गई, व्हेन विल बी इक्वल टू द 5, व्हेन विल बी इक्वल टू द 5 तब क्या करते हैं। देखो अगर 5 के या 5 के इक्वल आता है तब हम इससे पहले देखते हैं कि अगर इक्वल टू 5 आता है देन इवन और, इवन और सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। अगर इससे पहले की जो ये डिजिट है
इवन है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, अगर ओड है ना तो उसको वन नंबर इंक्रीज कर देते हैं। देखो इससे पहले की डिजिट क्या है यहाँ पे, थ्री है ना, थ्री इट्स मीन एक इंक्रीज कर दे, समझ रहे हो। लास्ट में हमने देखो पूरा एग्जांपल लिया, इसमें सारे केस आ गए, जो हमारे पास वन प्लेसेस तक आंसर आया ये करेक्ट आंसर, समझ गए, ये करेक्ट आंसर है। ये पूरी वीडियो थी सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में थ्योरी कुछ नहीं है, आप अपने साइड से कुछ भी बना के लिख लो चाहे, लेकिन ये टोटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था शुरू से और लास्ट, वन बाय वन मैंने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसमें लिख देता हूँ, वो कर लेना आप, कर पाए तो इट्स मीन आप समझ गए सभी चीजें, ठीक है ना। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।